तो हेलो नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली बार जैसे कुछ सर्वे किए थे और अभी कुछ सर्वे और सामने निकल के आए हैं। कुछ लोकल पत्रकार के द्वारा सर्वे निकल के आई है। तो अभी राजस्थान के अंदर जो 12 सीटों के ऊपर चुनाव हुए हैं उसकी नई सर्वे जो आई है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो हमने पिछली वीडियो जब की थी तो उसके हिसाब से अलग सर्वे थे, वो उनका माहौल अभी बदल चुका है। तो सर आपको बताएंगे कि किन किन सर कौन कौन सी रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर एक बार अपने दर्शकों को बताएं। आज इस वीडियो में हम दो सर्वे पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो फलौदी सट्टा बाजार में जो चर्चाएं चल रही हैं, किसका भाव नीचे जा रहा है, किसका भाव ऊपर हो रहा है, और दूसरा एक सर्वे है जो लोकल पत्रकारों के द्वारा किया गया है। जैसे मान लो कि कोई गंगानगर है तो गंगानगर के जितने भी लोकल पत्रकार हैं उनके द्वारा जो सर्वे किया गया है उसके आधार पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्हीं के ऊपर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जी, तो अभी फिलहाल आज अपन स्टार्ट कर लेते हैं बीजेपी से, क्योंकि उस दिन अपन ने लगातार जैसे रैंडमली स्टार्ट किया था। लेकिन आज अपन दर्शकों को ये बताते हैं कि बीजेपी कहाँ से जीत रही है और कांग्रेस कहाँ से जीत रही है, तो इस चीज़ के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, बीजेपी की जो सर्वे आई है कि बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जी जैसे अपने मंत्री जी है, कानून मंत्री जैसे पहले रह चुके हैं, और गोविंद राम मेघवाल, तो यहाँ से जो है बीजेपी अपनी सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर जो आप सर्वे आप ये कह रही है, देखो बीकानेर से कानून मंत्री जी खड़े हैं। जी, पहले जब रिपोर्ट्स आ रही थी तो कड़ा मुकाबला हमने पिछले वीडियो में बताया था। जी, अब रिपोर्ट जो आ रही हैं कि अर्जुन राम मेघवाल जी चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। जी, चाहे वो सट्टा बाजार को देखें जी, या फिर इंटरनल्स रिपोर्ट जितनी भी आ रही हैं लोकल पत्रकारों के द्वारा कि अर्जुन राम मेघवाल जी अपनी सीट आराम से निकाल रहे हैं जी, और कहीं ना कहीं मंत्री होने का फायदा मिलता मिल रहा है और यहाँ पे कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं श्री गंगानगर के ऊपर, तो आप एक बार कैंडिडेट्स बता दीजिए कि इसमें जो है किसकी जीत अपने को दिखाई दे रही है। श्री गंगानगर से प्रियंका मेघवाल जी हैं और कांग्रेस से खड़े हैं कुलदीप इंदौरा जी। यहाँ पे बात करी जाए तो ये सीट भी बीजेपी ही निकाल रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जा रही है। पहले हमने बताया था, जब भी हमने ये बताया था कि कड़ा मुकाबला है जी, पर अब फलौदी सट्टा बाजार की माने तो ये सीट आराम से बीजेपी निकाल रही निकाल है, रही है। तो यहाँ पे मतलब ये दूसरी सीट है जहाँ पे कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, इसके बाद नेक्स्ट सीट के ऊपर चले, जैसे जयपुर ग्रामीण की तरफ अपन चले, तो यहाँ पे जैसे कौन सी पार्टी जो है आपको अपना परचम लहराती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका एक बार दर्शकों को हाल बताएं आप। देखो जयपुर ग्रामीण में दो प्रत्याशी हैं पहले जो मुख्य रूप से चुनाव लड़ रहे हैं जी, यहाँ पे भी सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है जी। बीजेपी से राव राजेंद्र सिंह जी हैं जी, और कांग्रेस से हैं अनिल चोपड़ा जी। पहले हमने जब सर्वे बताया था तब हमने अनिल चोपड़ा जी उस सर्वे के आधार पर जीत रहे थे, तो चुनाव से पहले का सर्वे था जी। पर अब जो सर्वे और रिपोर्ट्स आ रही हैं या फलौदी सट्टा बाजार की माने तो राव राजेंद्र सिंह जी बीजेपी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सर जैसे हमने पिछली रैलियों में भी जाके देखा था कि जैसे आसपास के अंदर जो लोकल के अंदर रैली हुई थी उनमें अनिल चोपड़ा जी की एक अलग ही लहर लोगों के अंदर दिखाई दे रही थी, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी जो लहर है वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है अभी फिलहाल? अगर अभी रिपोर्ट्स की माने तो ये है कि कम मतदान हुआ है, बीजेपी वाले दुखी हैं कि हमको नुकसान होगा, कांग्रेस वाले दुखी हैं कि हमको फ़ायदा होगा या सुखी हैं, पता नहीं फ़ायदा तो किसको होगा जी। पर अगर रिपोर्ट्स की अब जो रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके आधार पर माने तो इस सीट पे तो राव राजेंद्र सिंह यानी बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपने देखा होगा पीछे भी मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने भी यही बात कही है कि भाई घरों से बाहर निकलो, आप वोट करके आओ और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दोनों पार्टियां घबराई हुई हैं कम मतदान को देख के। अब ये तो ना तो बीजेपी को पता है ना कांग्रेस को पता है कि मतदाता किसका नहीं निकला है जी। ये तो मतलब 4 जून को ही पता चलेगा, और अभी जितने भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जी, अब हवाएं बदली हैं और जयपुर ग्रामीण में तो हवा बदल चुकी है और बीजेपी ये सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, अब चलते हैं अपन सर अलवर की सीट के ऊपर, तो अलवर की जैसे होट सीट है और इसके अंदर भारी वर्सेस लोकल एक मुद्दा अपन ने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था। इस बार जो है हम ये देख रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है अपनी सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं जो है भारी बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? देखो कांग्रेस ने ये चुनाव पूरा ऐसे बना दिया था लोकल वर्सेज भारी जी, और मंत्री जी लग रहा है कि ललित यादव से बहुत आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और राजनीति में भी शायद कद्दावर थे जी, तो उसका रिजल्ट अगर फलौदी सट्टा बाजार की माने और इंटरनल रिपोर्ट्स की माने तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि शहरों के अंदर जो है बीजेपी की लहर ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो आपको नहीं लगता कि अलवर के अंदर जो है ज़्यादा वोटिंग जो है बीजेपी के पक्ष में हुई होगी, शायद वही कारण जो सामने निकल के आ रहा है? अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता वोटिंग कहाँ से ज़्यादा हुई है क्या नहीं हुआ है जी, पर ऐसा है कि
अब रिपोर्ट्स आ रही हैं तो इसका मतलब जिसको आधार बता रहे हैं हम, वो सट्टे बाजार का ऐसा है कि वो हमेशा एक्यूरेट बताता है। जी। जब अभी विधानसभा चुनाव था राजस्थान में, जी, जी। तब सब कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे बता रहे थे, तब वो लगातार बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे बता रहा था। जी। और उसके आधार पर जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स भी कुछ वैसे ही जी मिलते जुलते। हाँ, तो अगर इसको सच माने तो अलवर की सीट से कांग्रेस हारती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी 12 सीटों के ऊपर जैसे चुनाव हुए हैं, तो इसके अंदर जो है बीजेपी कितनी सीटें जो है बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है अपने को? देखो, इसमें अभी आपने हमने 4 सीटें बताई, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जयपुर ग्रामीण और अलवर की सीट। जी। ये 4 सीटें बीजेपी एक तरफा निकालते हुए दिखाई दे रही है। जी। 3 सीटें हैं भरतपुर की, दौसा की और धौलपुर करौली की। जी। 3 सीटें हैं भरतपुर की, दौसा की और धौलपुर करौली की, जी, जिन पर कड़ी टक्कर है। जी। इस पर हवा किस रुक बैठेगी ये अभी बिल्कुल भी पता नहीं पड़ पाया है। जी। और अब दोनों ही उम्मीदवारों की वोटिंग बराबर हुई है, और अगर सट्टा बाजार की माने तो यहाँ पर कड़ी टक्कर है, दोनों ही सभी उम्मीदवारों का दाम बराबर बताया जा रहा है। और उसकी चर्चा भी हम अभी अपने दर्शकों को बताएंगे आगे वीडियो में। तो अब जैसे सर हमने बीजेपी की तो बातें कर ली कि बीजेपी जो है 4 सीटें लगभग जो है निकालती हुई दिखाई दे रही है, अब इसके बाद जो इंडिया गठबंधन या फिर यूं कहे कांग्रेस, ये कहां से जो है अपनी सीट विजयी बना रही है, तो इनके ऊपर आप एक बार बता देंगे कितनी सीट ये भी जो अपने खाते या अपने पलड़े के अंदर रखने वाली है, तो इसके ऊपर आप बताए एक बार दर्शकों को। तो इस वीडियो में हम उन 12 सीटों की ही बात कर रहे हैं जिन पर चुनाव अभी संपन्न हुआ है, उन 13 सीटों की बात नहीं कर रही जिन पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है। अगर इन 12 सीटों की बात की जाए तो 4 सीटों की हम बात कर चुके हैं, 3 सीटों पे बता चुके हैं कि वहाँ पे कड़ा मुकाबला है। अब बच गई सीकर की सीट, चूरू की सीट, झुंझुनू की सीट और नागौर की सीट। इन पर कांग्रेस गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। सीकर की बात करें तो यहाँ पे अमर राम जी खड़े हैं इंडिया गठबंधन से, और अगर बीजेपी से बात करें तो स्वामी सुमेधानंद जी बीजेपी से खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ की अगर फलौदी सट्टा बाजार की माने या फिर इंटरनल जो सर्वे आया है उसको आधार लेके माने, तो यहाँ पर अमर राम जी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनका फलौदी सट्टा बाजार में रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब काफ़ी कम चल रहा है। जी। इनका रेट सट्टा बाजार में कम चल रहा है। जी। और यानी कम चल रहा है इसका मतलब है कि ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका रेट अच्छा होता है वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो वैसे वोट सीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जैसे चूरू हो गया सर, तो इसके ऊपर भी एक बार अपने दर्शकों को बताओ। देखो, चूरू में राहुल कसवा जी कांग्रेस से खड़े हैं जी, और बीजेपी से है देवेंद्र झांझरिया जी। अगर इस सीट की बात करें तो कांग्रेस ये सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है, अगर फलौदी सट्टा बाजार की माने तो। जी। राहुल कसवा का रेट कम चल रहा है जी, देवेंद्र झांझरिया का रेट अधिक चल रहा है। अगर इंटरनल रिपोर्ट्स की माने तो भी ये सीट को इंडिया गठबंधन ही निकाल रहा है, तो ये दूसरी सीट होगी जो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान में। जी। इसके बाद तीसरी सीट की बात कर ले, जैसे झुंझुनू हो गया, तो झुंझुनू की सीट के ऊपर आप अपने दर्शकों को जैसे थोड़ा कुछ बताना चाहे कि भाई विजेंद्र सिंह जी ओला जैसे हैं और शुभकरण जी जैसे कांग्रेस से हैं, तो इन दोनों के आपस में टक्कर क्या है और इनका क्या जो हालचाल फिलहाल है, तो दर्शकों को आप बताएं थोड़ा। देखो, झुंझुनू की सीट से विजेंद्र ओला जी कांग्रेस से खड़े हैं जैसे आपने बताया, और शुभकरण चौधरी जी खड़े हैं बीजेपी से। जी। ये सीट भी वो सीट है जो कांग्रेस के खाते में जा रही है, मतलब कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ से तो कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, और विजेंद्र सिंह ओला जी का रेट कम चल रहा है फलौदी सट्टा बाजार में, जिसको आधार माने हम तो मतलब वो ये सीट आराम से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेट में जो है अंतर है वो काफ़ी अधिक है बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले। जी। तो हम चर्चा कर रहे हैं नागौर की सीट की, तो इसके ऊपर आप सर एक बार थोड़ा प्रकाश डालो कि किस प्रकार से जो है। देखो, तो नागौर की सीट सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी हुई है। ये वही सीट है जिसकी सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इस टाइम राजस्थान की, जो चर्चा सीट की हो रही है। एक सीट है रविंदर सिंह भाटी वाली और दूसरी सीट है नागौर वाली। जी। अब नागौर वाली सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रत्याशी, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कांग्रेस से जो चुनाव लड़ते थे वो इस बार बीजेपी में हैं, और जो हमेशा जो पिछले बार बीजेपी के साथ यानी एनडीए गठबंधन में लड़े थे हनुमान बेनीवाल जी, वो अब की बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के साथ चले गए हैं। मतलब प्रत्याशी ऐसे के ऐसे हैं, दोनों वही प्रत्याशी हैं पर पार्टियां दोनों की बदल गई है। जी।
पर अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, हमने पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि हनुमान बेनीवाल जी ये सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसको भी आधार लें तो भी यही पता चल रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी ये सीट निकाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपना पिछले सर्वे जो है वो भी किसी ना किसी इस सीट के लिए तो साकार है ही है, ये सही सर्वे मतलब साबित हो रहा है जी। अब उन सीटों के भी चर्चा कर लेते हैं जिन सीटों के ऊपर आप कड़ा मुकाबला जो है बता रहे थे, तो दर्शकों को एक बार उनका भी हाल बता देते हैं क्योंकि उनके दर्शक भी जो है काफी देर से वेट कर रहे होंगे। देखिए, हमने अभी तक चर्चा कर ली चार ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है जी। और चार ऐसी सीटें जहां पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब 8 सीटें हो चुकी हैं, 12 सीटों पर टोटल चुनाव हुआ था। तो अब तक सर हमने जैसे 8 सीटों के ऊपर चर्चा कर ली है, तो अभी बची हुई 4 सीटें जो हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं जिनके ऊपर काफ़ी कड़ा मुकाबला जो है वो भी देखने को कहीं ना कहीं दिख रहा है अपने को और सर्वे भी यही कह रही हैं। तो इनके ऊपर बात करें, सबसे पहले अगर जयपुर शहर की बात कर ले जाए तो यहाँ पे प्रताप सिंह खाचरियावास और मंजू शर्मा जैसे बीजेपी से खड़े हैं, तो इस सीट के ऊपर भी जो है काफ़ी कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तो आपका फलोदी सट्टा बाजार इस चीज़ के ऊपर क्या कहता है, तो एक बार दर्शकों को वो भी बताएं। देखो, हमने शुरुआत में बीजेपी की उन 4 सीटों की बात करी थी जो बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है जी। फिर हमने उन 4 सीटों पर चर्चा करी थी जहाँ पर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस जीतता हुआ दिखाई दे रहा है जी। मतलब चार सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 4 ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बची 4 सीटें जी, और वो 4 सीटों पे मुकाबला कड़ा है जी, चाहे फलौदी सट्टा बाजार को देखें या फिर और इंटरनल जो सर्वे आया है उसको देखें, वहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है कि कौन जीत रहा है। अगर जैसे आप पूछ रहे थे जयपुर से भी सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस से यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास जी खड़े हैं, बीजेपी से यहाँ मंजू शर्मा जी खड़ी हैं जी। पर अगर सट्टा बाजार की माने या फिर इंटरनल जो अपने पास सर्वे आ रहा है लोकल पत्रकारों से, तो ये सीट जो है टफ सीट है, यहाँ पर मुकाबला टक्कर का दिखाई दे रहा है जी। अभी मुकाबला ना तो इधर है ना इधर है जी, यहाँ पर कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी बीजेपी सीट जा सकती है जी। इसे नेक्स्ट सीट की बात करें, जैसे भरतपुर की सीट हो गई, तो उसका जो क्या हाल है वो भी आप एक बार दर्शकों को बताएं। और सट्टा बाजार जो है आपका क्या कहता है इस सीट के ऊपर, तो इस चीज के ऊपर आप थोड़े दर्शकों को बताएं। भरतपुर की जो सीट है वहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है जी। कांग्रेस से यहाँ पर संजना यादव जी खड़ी हैं जी, बीजेपी से यहाँ रामस्वरूप कोहली जी खड़े हैं। और अगर इस सीट की बात की जाए तो ये सीट भी फंसी हुई है, मतलब यहाँ पर भी मुकाबला टफ है ना, ये सट्टा बाजार भी नहीं बता पा रहा और ना पत्रकारों से ये पता लग पा रहा है कि ये सीट कौन जीत रहा है जी। और कहीं ना कहीं जो है इसकी छवि जो है वो धुंधली दिखाई दे रही है जी। इसके बाद नेक्स्ट सीट के ऊपर चले, जैसे दोसा की सीट हो गई, तो इसके ऊपर भी जैसे चुनाव हुए थे, तो इनका जो क्या हाल है और सट्टा बाजार क्या कह रहा है, तो उनके ऊपर भी एक बार दर्शकों को अपनी राय दें। दोसा की जो सीट है वहाँ पर मुरारी लाल मीणा जी खड़े हैं कांग्रेस से, और बीजेपी से अगर बात करी जाए तो कन्हैया लाल मीणा जी खड़े हैं जी। पर इस सीट की भी यही हालत है कि ये सीट भी टफ मुकाबला है, फंसी हुई है जी। इस पर भी ना सट्टा बाजार बता पा रहा है जैसे बताया मैंने आपको, और ना ही जो इंटरनल सर्वे आया है उसके आधार भी ये सीट बताई जा रही है कि ये कड़ा मुकाबला है। और ये तो 4 जून को ही पता चलेगा अब इस सीट को कौन निकालता है। पर इस सीट के लिए लगातार कांग्रेस दावा कर रही है कि ये सीट हम भारी बहुमत से जीतेंगे। सचिन पायलट ने मुरारी लाल मीणा के लिए जान लगा दी जी। अब देखते हैं रिजल्ट्स किस तरफ जाते हैं, अगर सट्टा बाजार और इनको देखें तो ये मुकाबला यहाँ पर भी कड़ा हो गया है जी। और कहीं ना कहीं देखे जैसे बीजेपी की जब राजस्थान के अंदर इन 12 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था, उसके बाद हमने भी चर्चा की थी इस बात के ऊपर कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उनको लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे कड़ी टक्कर जो है बीजेपी को दे सकती है। तो जो आधी रात के अंदर उनकी मीटिंग भी एक की गई थी जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है पधारे थे, तो उस चीज़ के ऊपर भी जैसे अपनी राय जो आप रखना चाहो तो अपने दर्शकों को बताओ कुछ इसके बारे में भी। देखो, चुनाव जो मतदान कम हुआ था उसके बाद बीजेपी की भी एक हाई लेवल की मीटिंग हुई जी, कांग्रेस की भी एक हाई लेवल की मीटिंग हुई जी। दोनों पार्टियों में शंकाएं हैं कि वोट किस प्रतिशत किसका कम हुआ है जी। वैसे अगर मीडिया की बात की जाए तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी समर्थक वोट डालने नहीं गए जी। और अगर बीजेपी वालों से पूछें या प्रधानमंत्री जी भी रैलियों में जाके कह रहे हैं, अमित शाह जी का भी एक स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस समर्थक वोट डालने नहीं गए जी।
पर समर्थक किसके वोट डालने नहीं गए, समर्थक किसके घर में रहे, ये तो जल्द कुछ 4 तारीख को ही पता पड़ेगा। और जैसे कम वोट पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की जो चिंता है वो भी कहीं ना कहीं अपने पीक के ऊपर पहुंच चुकी है। और प्रधानमंत्री जी भी अभी फिलहाल जैसे रैलियों में देख रहे हो तो दुगनी शक्ति के साथ जो अपने भाषण और कार्यक्रम जैसे स्टार्ट करे, तो इस चीज़ के ऊपर भी अपनी कुछ राय दो आप कि अब चुनाव कुछ धर्म के ऊपर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो शायद बीजेपी जिस मुद्दे से बचती हुई दिखाई दे रही थी अभी तक के चुनाव में, अब खुलेआम बोल रही है उसको। अभी वो जो राजस्थान वाला एक स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का, उस पर तो काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है, पर हर कोई बात कर रहा है और शायद ये हर कोई बात कर रहा है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को, ये तो भविष्य में मतदाता ही डिसाइड करेंगे। पर मतलब प्रधानमंत्री को जैसा माना जाता है, कहा जाता है कि वो चाहे विपक्ष की पार्टी हो या पक्ष की पार्टी हो, उनके लिए एक मुद्दा निर्धारित इस पे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो है अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं निराश किया है? क्योंकि जब हमने समर्थकों से उनकी राय ली थी तो वो भी यही कह रहे थे कि मोदी जी जो है वो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति को आगे ना रखते हुए इस बार जो है विकास के कार्यों को आगे रख के जो है चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हमने चर्चा की कि तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांसवाड़ा के अंदर जैसे रैली लास्ट टाइम की थी, तो वहाँ से उन्होंने जैसे धर्म की राजनीति को आप कहें तो कह सकते हैं इस चीज़ को कि उन्होंने जो है इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया, तो इस चीज़ के ऊपर भी आप अपनी राय जो है रखें। प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोली थी वो कितना प्रतिशत सच है, जैसे मैं आपको बता चुका हमारी तो इस पर कोई राय नहीं है जी, पर अगर डॉक्टर साहब का इंटू अगर देखा जाए पीछे वाला तो शायद उनमें उसमें हमें तो कुछ ऐसा दिखा नहीं कि उन्होंने कुछ बोला हो ऐसा, पर प्रधानमंत्री जी का हमेशा ऐसे ऐसा ही है कि वो पक्ष और विपक्ष दोनों को एक मुद्दा डिसाइड करते हैं और उसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि सर अगर उन्होंने नहीं कहा होता इस मुद्दे के ऊपर कुछ, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे पवन खेड़ा जी हो गए, इनका आपने देखा होगा कि वापस जो है उन्होंने तुरंत ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस जवाब भी दिया था, ये चीज़ अपने सामने आई थी, तो इस चीज़ के ऊपर भी जो है अभी एक प्राइवेट एजेंसी का एक चैनल है, उन्होंने वो वीडियो निकाला और वो काफ़ी वायरल भी है इस टाइम, उसमें डॉक्टर साहब का उन्होंने पूरा स्पीच चलाया जी। मैंने भी वो स्पीच सुना है, मुझे तो वहाँ पर ऐसा कुछ लगा नहीं जी। अब पता नहीं ऐसा कोई वर्ड्स हो जो प्रधानमंत्री जी को लगे हों, और मैंने जैसे कहा कि मेरी इस पर कोई राय नहीं है, पर प्रधानमंत्री जी मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि वो मुद्दा डिसाइड करते हैं, चाहे वो पक्ष के लिए हो चाहे विपक्ष के लिए हो। तो अब शायद मुझे लग रहा है जो अभी तक इस चुनाव में कोई मुद्दा मिस था, मतलब एक मुद्दा गायब था, अब वो एक मुद्दा उन्होंने लाके दे दिया है, विपक्ष वालों को भी दे दिया है और पक्ष वालों को भी दे दिया है। तो अब अपन जैसे लास्ट सीट जो अपनी बच गई है 12वीं सीट, उसके ऊपर अगर चर्चा कर ले धौलपुर और करौली की, तो इसके बारे में जो अपनी राय है वो भी आप एक बार दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखो धौलपुर करौली जी की, देखो धौलपुर और करौली की जो सीट है उस पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है जी। यहाँ पर भजन लाल जी जाटव खड़े हैं कांग्रेस से जी। और इंदु देवी जी खड़ी हैं बीजेपी से जी। पर इस सीट की भी बात जैसे मैंने हमने करी कि ये हम इन 4 सीटों की बात कर रहे हैं जहाँ पर मुकाबला टफ है या फंसा हुआ है जी। या फलोदी सट्टा बाजार को देखें जी। या फिर जो इंटरनल सर्वे है उसके आधार पर जी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही मुकाबला दिखाई दे रहा है आपको। साथ में मैंने अपने दर्शकों से मैं एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगा अंत में वीडियो के। एक और रिपोर्ट और एक सर्वे निकल के आया है जिसमें इन 12 सीटों के बारे में बताया गया है जी। उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि किन किन सीटों पर क्या क्या चल रहा है जी। 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है अगर इस सर्वे की माने तो। ये सर्वे में गंगानगर की सीट है, झुंझुनू की सीट है, चूरू की सीट है, दौसा की सीट है और नागपुर की सीट है जी। जिस पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है जी। बीजेपी जो जीतती हुई दिखाई दे रही है वो 4 सीटें हैं जी। बीकानेर की सीट है, जयपुर की सीट है और जयपुर ग्रामीण की सीट है और अलवर की सीट है जी। और जी अब बच गई 3 सीटें, मतलब 5 पर कांग्रेस जीत रही है इस सर्वे की माने तो, 4 पर बीजेपी जीत रही है। अब बची 3 सीटें, वो 3 सीटें हैं सीकर की, भरतपुर की और करौली की, जहां पर इस सर्वे की माने तो कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं से जैसे अलग अलग प्रकार की सर्वे निकल के आ रही है उनमें जो है आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं 70% 80% ये आंकड़े जो है सच होते भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये माने कि भाई आंकड़े यही कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी सारी सीटें नहीं जीत रही है, 50-50 रहने वाला है जी। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पिछले दो चुनाव से हो रहा था कि 25 की 25 सीटें निकल रही थी, अगर जितने भी सर्वे को देख रहे हैं तो किसी में 4 सीटें कांग्रेस निकाल रही है, किसी में 5 बीजेपी निकाल रही है, या किसी में 5 कांग्रेस निकाल रही है तो 4 बीजेपी निकाल रही है, तो ऐसे ही चल रहा है। मतलब 50-50 मुकाबला इस बार दिखाई दे रहा है। और लोगों में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ, राजस्थान की जनता में तो विशेषकर जो है बीजेपी के खिलाफ आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर ऐसी और सर्वे रिपोर्ट आगे आती रहेंगी और चुनाव के प्रति जो है और जानकारी जैसे ही हमारे पास प्राप्त होती है, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से जो है इन 12 सीटों पर कौन जीत रहा है, या आपके इलाके के अंदर जो है, आप भी अपनी राय जो है कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और जाते जाते वीडियो को भी लाइक कर देना। धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।